नमस्कार, मैं हूं विशाल रैना और आप देख रहे हैं मॉर्निंग कश्मीर। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की कल्चर की अगर मैं बात करूं, देख सकते हैं कि काफ़ी प्रमोट करते हैं और अपने पेज के ज़रिए भी, या अगर किसी प्रोग्राम की बात करूँ तो कश्मीरी कम्युनिटी के कल्चर को ये काफ़ी प्रमोट करते हैं। आज यहाँ पर हेयर रथ मिलन का जो है आयोजन किया गया था, इसी संदर्भ में हमारे साथ कनवल पेशेंट जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कनवल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हो और थैंक्स हमारे साथ में यहाँ जुड़ने के लिए, और जो हम एक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम बनने के लिए आपका भी बड़ा धन्यवाद। कनवल जी, आज यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा गया था हेयर रथ मिलन, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा और हमारी जो आने वाली यूथ है उन्हें भी पता चले हेयर रथ क्या है। ये आज हमने यहाँ पे वटुक मंडप को पूरी तरह से डिस्प्ले किया हुआ था कि वटुक जो हम भरते हैं, जो कश्मीरी पंडितों में एक रिवायत है, त्रयोदशी, फागुन त्रयोदशी को हम ये दिन मनाते हैं, तो इस दिन पूरा वटुक भरा जाता है, वटक राज इसको हम कहते हैं। हर एक कश्मीरी पंडित घर में आज के दिन स्वचंद, आज के दिन मतलब शिवरात्रि से पहले एक दिन जो ये त्रयोदशी है, उस दिन भैरवनाथ की पूजा होती है, स्वचंद भैरव को पूजा जाता है, वटक भैरव को पूजा जाता है, रमणीक भैरव को पूजा जाता है, ऋषियों को प्रवाहन किया जाता है, योगिनियों की पूजा होती है, स्वर्णपतुल के रूप में हम स्वचंद भैरव को पूजते हैं उन, और उसके बाद में फिर जो अपना भोग चढ़ाने के बाद में फिर उपवास खोलते हैं। ये एक पर्व जो है इसको किंग ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। कश्मीरी पंडित समुदाय विश्व में एक ऐसा हिंदू समुदाय है जो खाली इस पर्व को मनाते हैं। इस पर्व को और काफ़ी सारे जितने भी कश्मीर से बाहर हिंदू हैं वो शिवरात्रि का व्याख्यान करते हैं, जो शिवरात्रि हर मास में चतुर्दशी को आती है, हर मास में डार्क फोर्टनाइट में चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है, और ये जो शिवरात्रि होती है फागुन मास की, ये भी चतुर्दशी को आती है, लेकिन कश्मीरी पंडितों में भैरव व्याग का एक उल्लेख है, हम भैरव व्याग को पूजा करते हैं। हमारे कश्मीर के अंदर 12 भैरवों का स्थान है जो इस दिन जो उत्पन्न हुए हैं, जो माता उमा ने उस दिन उत्पन्न किए हैं, जिनको हम इच्छापुत्र के रूप में पूजते हैं। वटकनाथ भैरव है उसमें, रमन भैरव है उसमें, और उनकी पूजा करते करते फिर पूरे लगभग मध्य रात्रि तक पूजा चलती है, जैसा कि उस त्रयोदशी को हुआ था, जैसे कि उस दिन एक ये स्तंभ, रोशनी के स्तंभ के रूप में स्वचंद भैरव जी उत्पन्न हुए थे, उनको पूजा होती है, उनको शांत किया जाता है, फिर ये हमारा एक उत्सव होता है पूरा। उसके बाद में पूजक जो है वो नवीद ग्रहण करता है और पूरे जो उनके घर के लोग हैं वो भी नवीद ग्रहण करते हैं। ये हमने जो अभी ना बोले हेरथ, इसका मीनिंग क्या है? हेरथ का मतलब ये हर रात्रि है, हर हो गए भगवान शिव, और रात्रि है रात, इस रात में जो माता उमा ने भगवान शंकर को प्राप्त किया था स्वचंद भैरव रूप में, भोले शंकर उनके पास आए थे, उन्होंने उनको दर्शन दिए थे लेकिन वो उनको पहचान नहीं पाई थी, तो स्वचंद भैरव रूप में 5 सिर 18 भुजाएं, तो वो भयभीत हो गई थी, वाइट कलर था, तो वो भयभीत हो गई थी, उनको समझ नहीं आया, तो फिर उन्होंने 2 इच्छापुत्र अपने बनाए, ये 2 भैरव वटकनाथ और रमन भैरव, उनको उत्पन्न किया, उनको लगा कि ये कोई शक्ति है जिसको हमने परास्त करना है, लेकिन फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि उस शक्ति को वो कैसे परास्त कर सकते थे, वो तो स्वयं महादेव थे, तो जब उनको समझ आया तो उनके शरण गए, तो उसके बाद में वो रोशनी का स्तंभ जो है आहिस्ता आहिस्ता वापस वो अपने शेप में आए भोले शंकर, और फिर समस्त विश्व जो है शिवरात्रि मनाता है और हम अपनी हेरत मनाते हैं, तो दूसरे दिन उत्सव होता है उनका, चतुर्दशी के दिन हो हम त्रयोदशी को मनाते हैं। शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा